नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, कभी न कभी किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ बुरा किया है, आपको धोखा दिया है, छल कपट किया आपके जमीन जायदाद, या किसी भी तरह से आपको झूठे आरोपों में फंसाना, आपके साथ जाने अनजाने में हर तरह से किसी न किसी तरह से आपके साथ कुछ न कुछ बुरा किया है। तो कभी भी किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है और आप चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें सबक सिखाए, या उन लोगों ने जो हमारे साथ गलत चीज़ें की, ईश्वर उनका न्याय करें, अगर आप ये चीज़ें चाहते हैं तो कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जो शत्रुओं के लिए, जो हमारे साथ किसी व्यक्ति ने जाने अनजाने में जो भी कुछ बुरा किया है और जो हमें ऐसा लगता है कि हम उनको जवाब नहीं दे पाए या उन्होंने हमारे साथ गलत किया, वो एक नेगेटिविटी जो हमारे अंदर हमेशा रहती है, तो उस नेगेटिविटी के लिए, उसे हटाने के लिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए एक उपाय जो आपको ज़रूर करना चाहिए, यह उपाय सकारात्मक प्रयोगों में किया जाए, न कि नकारात्मक प्रयोगों में इसे देखा जाए। ये बिल्कुल सकारात्मकता में और इसके लिए बहुत ही सरलता और बहुत सहजता से जो चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, इन्हें फॉलो करने की आपको बहुत हद तक आवश्यकता है। सबसे पहला तरीका मैं आपके साथ साझा करूँ, उससे पहले एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े। कमेंट्स में लिखे हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, जीवन में कोई तकलीफ परेशानी या कोई प्रश्न जो आपके लिए तकलीफ दे हैं, तो आप स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस और शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो आपको करना है कि अपने घर के आसपास जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर पीपल के पत्ते लें। अपने घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो, जो ज़मीन पर पड़े पत्ते हों या हरे पत्ते आप तोड़ सकते हैं, उन पत्तों को लें, उन पत्तों के ऊपर राम लिखें, सीताराम लिखें, और उन पत्तों की एक माला बनाएं। 11 पत्ते, 21 पत्ते, 51 पत्ते, 11 पत्ते, 21, 51, जो भी आपको उचित लगे लें, सीताराम लिखें और भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दीजिएगा। अर्पित करने के बाद भगवान से ये निवेदन करिएगा कि हे भगवान, जितने भी हमारे शत्रुओं का नाश करें, शत्रुओं से हमें छुटकारा दे, शत्रु मुक्ति की आराधना करें। तो जिन भी जातकों ने आपके साथ जाने अनजाने में जो कुछ भी किया हो, जो आपको लगता है, उन सभी के लिए आपको कुछ ही दिनों में परिणाम दिखाई देंगे, कुछ ही दिनों में आपको बहुत सी चीज़ें बदलती हुई दिखाई देगी। ये बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा कम समय में फल देने वाला उपाय हैं। दूसरा है, वहीं बैठकर आप 11 बार 21 बार बजरंग बाण का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, तो इससे भगवान की कृपा होगी और शत्रुओं का